हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी, जो आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हो ना, तो आप ना आज उसको घर में बना सकते हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम सामान में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे और उसमें ले लेंगे पानी। तो 3 कप जितना मैंने यहाँ पे पानी ली है, और पानी को हम अच्छे से पहले गर्म करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम एक दूसरा वाला बोल रख देंगे। अब इस बोल में हम डाल देंगे चीनी। पिसी हुई चीनी डाली है मैंने, आप चाहो तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो, बस इसको पिघला के डालना। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, और जितना मैंने चीनी डाला है उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे डाली है कोको पाउडर। 250 ग्राम जितना चीनी था और कोको पाउडर है उससे थोड़ा सा कम। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे डाली है मिल्क पाउडर। बाज़ार से खरीदी हुई जो अमूल का मिल्क पाउडर है होती है ना, ये वही है। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है। और जितना हम मिल्क पाउडर डालेंगे उतना ही हमें डालना है नारियल का तेल। ये खाने वाला नारियल का तेल होता है दोस्तों, बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी, तो वही हम इसमें डाल देंगे। और बस इसमें और कुछ नहीं डालना है, इन सारे चीज़ों को हम बस अच्छी तरह से मिलाएंगे। नीचे से जो पानी का भाप उठता है ना, उसी में से आपको इसे पिघलाना है। कंटिन्यू आपको इसे चलाते जाना है, धीरे धीरे ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी और ये बिल्कुल लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको कंटिन्यू 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही चलाई है। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। तो चॉकलेट हमारी तैयार है, बस इसको शेप देना बाकी है। तो चलिए इसको हम शेप दे देते हैं। ठंडा नहीं होना देना है दोस्तों, जल्दी जल्दी करनी है आपको जो भी करना है। मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट मोल्ड लिया है, आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसी शेप का बना सकते हो। और मोल्ड में हम इसको डाल देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे दोस्तों, फटाफट से डालनी है और ऊपर से थोड़ा सा इवन कर देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए तब हम इसको डाल देंगे फ्रिज में। फ्रिज में डालेंगे कम से कम 2.5 घंटों के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखो दोस्तों, ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, चॉकलेट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस इसको डीमोल्ड करना है। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला स्टेप है। डीमोल्ड करने के बाद इसका जो शेप आता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखो बिल्कुल रेडी हो चुकी है चॉकलेट। बस इसी तरह से मैंने बाकी भी चॉकलेट बना लिया है। आपने देखा था ना, थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट होके बाकी रह गया था, तो उसी से मैंने दूसरा वाला जो है वो भी मोल्ड बना ली है। आप अपने पसंद की कोई भी शेप इसका दे सकते हो, बाज़ार में तो बहुत सारे मोल्ड मिलते हैं, लेकिन मुझे ना ये वाला जो मोल्ड है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है, बाज़ार जैसी ही लगती है डेयरी मिल्क वाला। तो टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है दोस्तों। एक बार इसको घर पे ज़रूर बनाना, और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले जो चॉकलेट है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।